आज हम बनाएंगे मुखवास और चॉकलेट पान। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू निर्मल स्वाज किचन। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो में हमारे साथ बने रहें। चॉकलेट पान बनाने के लिए हमने यहाँ पर एक पान का पत्ता लिया है, कुछ ड्राई फ्रूट्स चॉप करके लिए हैं और तीन चार तरह की इसमें हमने सौंफ ली है। जो भी आपके पास सौंफ अवेलेबल हो आप ले सकते हैं। अगर आपके पास कुछ चीज़ें इसमें अवेलेबल नहीं है तब आप उसको स्किप कर दीजिए, लेकिन चॉकलेट सिरप, गुलकंद और एक या दो तरह की सौंफ इसमें ज़रूरी आपके पास होनी चाहिए। आप इन सब चीज़ों की क्वांटिटी और नेम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। सबसे पहले हमने अपने पान के पत्ते का जो ऊपर का पार्ट है उसको अलग कर दिया है और नीचे से भी इसको कट कर दिया है। इस प्रकार से कट करने के बाद अब हम इस पर सबसे पहले चॉकलेट सिरप लगाएंगे। चॉकलेट सिरप या तो आप कोई भी मार्केट का हर्षी या फिर कोई भी दूसरा चॉकलेट सिरप यूज़ कर सकते हैं, या फिर चॉकलेट को मेल्ट करके भी हम चॉकलेट सिरप बना सकते हैं, क्योंकि इसमें चॉकलेट सिरप हमें बाद में भी इसका यूज़ होगा, वो मैं आपको बताऊँगी कैसे इसका यूज़ होगा। गनाज भी बनाकर हम तैयार कर सकते हैं, आपका जो मन करे, आप जिस भी तरीके से जो भी चॉकलेट सिरप इसमें यूज़ करना चाहें आप इसमें कर सकते हैं। इसके बाद हमने इसमें करीब आधा छोटा चम्मच गोले का बुरादा लिया है, जिसको हम इसके ऊपर इस प्रकार से चॉकलेट के बाद स्प्रेड कर देंगे। हमने इसमें ये सौंफ डाली है, जो मिक्सचर सौंफ का पान मिक्सचर आता है वो हमने इसमें डाला है, वही आधा छोटी चम्मच। क्वांटिटी आप अपने अनुसार डाल सकते हैं। ये हमने चौथाई चम्मच इसमें ड्राई फ्रूट्स डाले हैं, ये ग्रीन सौंफ जो मोस्टली सभी के घर में अवेलेबल होती है, हमने इसमें वो डाल दी है चौथाई चम्मच। इस प्रकार से थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी सब चीज़ों की हम इसमें डाल देंगे। एक से दो हमने इसमें चेरी डालनी है, आप ज़्यादा या कम कर सकते हैं। हमने ये छुहारा को छोटा छोटा कट कर लिया है, वो हम इसमें डाल देंगे। इस प्रकार से हम एक एक करके कोई सामग्री या पहले चॉकलेट स्प्रेड करने के बाद इसमें डाल सकते हैं। अब हम इसमें आधा जो हमारी रेगुलर स्पून होती है उसमें हमने गुलकंद डाला है, क्योंकि गुलकंद खाने में बच्चों को बहुत पसंद आता है। ये हमने कलरफुल इसमें सौंफ डाली है, आपके पास है तो आप डाल सकते हैं। इस तरह जो भी चीज़ पान के अंदर डलती है वो चीज़ जो जो आपके पास अवेलेबल है आप इसमें डाल लीजिए। चॉकलेट सिरप और गुलकंद अनिवार्य है। इसके बाद हम इसको इस प्रकार से अच्छे से पैक कर देंगे। पैक करने के बाद हमने एक टूथपिक में चेरी को लगाकर रखा हुआ है, चेरी में हम टूथपिक को लगाकर इस प्रकार से इसको बाइंड कर देंगे ताकि हमारा पान ना खुले, क्योंकि मार्केट में जब हम पान खाते हैं तब वो उसे रैपर में पैक कर देते हैं, लेकिन हमें इसको अभी पूरा तैयार करना है क्योंकि हमने इसका चॉकलेट पान बनाना है। अगर आप मीठा पान ऐसे ही खाना चाहते हैं तब हम इसको ऐसे भी खा सकते हैं। अब हमने यहाँ पर एक पान के पत्ते को बारीक बारीक चॉप कर लिया है, अब हम इसके चॉकलेट पान बॉल्स बनाकर तैयार करेंगे। इसके बाद हमने जो भी अपनी जो ये सौंफ वगैरह ली थी, करीब एक एक चम्मच हमने सबको रेगुलर स्पून से लिया था, उसमें से जो आधा आधा सामान बचा हुआ है हम सब इस पान के कटे हुए पत्ते में इन सब चीज़ों को डाल देंगे, और इन सबको डालने के बाद हम अच्छे से अपने हाथ से इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये सब चीज़ें हमने इसमें इतनी सब चीज़ें डालनी है कि ये अच्छे से जुड़ जाएँ। अगर ये अच्छे से नहीं जुड़ती हैं तब हम इसमें थोड़े से गुलकंद का और ऐड कर सकते हैं। इस प्रकार के करके हम जो भी हमारी बची हुई सामग्री है हम इसमें डाल देंगे। हमने रेगुलर स्पून से 1 स्पून इसमें गुलकंद डाला है। आई थिंक गुलकंद हमें इसमें थोड़ा कम पड़ने वाला है, क्योंकि हमने इसकी बॉल्स बनानी है तब हम इसमें इतना सामान तो डालना ही होगा कि करीब इसकी बॉल्स इजीली बन जाए। उसके लिए हमने इसमें 1 चम्मच गुलकंद और ऐड कर दिया है। करीब 2 जो रेगुलर स्पून हम अपने घर में यूज़ करते हैं हमने वो यहाँ पर गुलकंद की डाली है। अब हमने अपनी हथेली की हेल्प पर इस प्रकार से रख के इसकी गोल गोल बॉल्स बना लेंगे। अब इसकी बॉल्स जो हम बना रहे हैं, क्योंकि इसमें सब सामान मोटा मोटा थोड़ा दरदरा है तो बिल्कुल गोल बॉल्स इसकी बनकर तैयार नहीं होंगी, पर थोड़ा फ्रिज में रखने के बाद ये बाद में टाइट हो जाएंगी और बहुत अच्छी हमारी चॉकलेट मुखवास बनकर तैयार होगा। इसी प्रकार से हम अपनी सभी गोलियों को बनाकर तैयार कर लें। अब हम इनको 15 मिनट के लिए फ्रिज में सेट होने के लिए रख दें। 15 मिनट हो गए हैं, हमने यहाँ पर मेल्टेड चॉकलेट का इस्तेमाल किया है। हमने इसको बाउल में इसलिए रखा है ताकि ये जल्दी से ठंडी ना हो। इस प्रकार से हम अपनी सभी मुखवास बॉल्स को इसके अंदर डालेंगे और इस प्रकार से अच्छे से डिप करके बाहर निकाल लेंगे। मैंने इसमें एक प्रॉब्लम कर दी है, पहले मैंने अपने पान को इसमें डिप करना था, पर कोई नहीं, जब हम पहले मैंने इसको डिप कर ही दिया है तो पान को हम उसमें बाद में डिप कर लेंगे।
अब हम इसमें अपने पान को इस प्रकार से डिप कर लेंगे। ये थोड़ी सी चॉकलेट हमारी इसमें कम रह गई है क्योंकि मैंने इतनी चॉकलेट ली थी जिसमें हमारे ये अच्छे से डिप हो जाए, इसलिए हम इसको प्लेट में रखकर इसके ऊपर से थोड़ी सी चॉकलेट इसके ऊपर स्प्रेड कर देंगे। इस प्रकार से चॉकलेट स्प्रेड करने के बाद हमारा चॉकलेट पान और मुखवास बॉल्स दोनों ही बनकर तैयार हो गए हैं। अब हम इनको सिल्वर और ग्रीन सॉफ या फिर किसी भी चीज़ से, अगर आप चाहें इसको डेकोरेट कर सकते हैं, कलरफुल सॉफ से भी कर सकते हैं, हम इसको हल्का सा डेकोरेट कर देंगे क्योंकि अभी हमारी चॉकलेट इस पर अच्छे से, ऐसा नहीं है कि ठंडी हो गई है, हल्के हल्के गर्म है, तब इसके ऊपर हमारी चॉकलेट के ऊपर अच्छे से जो हमने सॉफ डाली है इस पर चिपक जाएगी, अच्छे से इसमें अब्जॉर्ब हो जाएगी। इस प्रकार से इनको इनके ऊपर सॉफ स्प्रेड करने के बाद हम इसको उठाकर थोड़ा सा हल्का सा हम चाहें तो गोले का बुरादा भी इस प्रकार से इसके ऊपर डाल सकते हैं ताकि ये दिखने में अच्छी लगे। अब हम इनको फ्रिज में करीब 15 से 20 मिनट के लिए जमने के लिए रख देंगे ताकि जो इनके ऊपर चॉकलेट, मेल्टेड चॉकलेट लगी हुई है वो एक अपना पर्टिकुलर शेप ले ले। हमारा चॉकलेट पान और मुखवास बनकर दोनों बिल्कुल रेडी हो गए हैं। इसको थोड़ा रिच लुक देने के लिए आप इसके ऊपर सिल्वर वर्क भी लगा सकते हैं। हम इनको रैपिंग पेपर में भी रैप करके रख सकते हैं, मुखवास को और चॉकलेट पान को भी हम 2 से 3 दिन तक स्टोर करके इजीली रख सकते हैं। हमें इन्हें फ्रिज में ही रखना होगा। आप एक बार इस रेसिपी को अपने घर में ज़रूर ट्राई करें और अपने एक्सपीरियंस हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर शेयर करें।